आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं बता दें, सराफा बाजार में इस हफ्ते चांदी में 1700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 20 जून को ये 61,067 रुपए पर थी, जो अब 25 जून को यानी कि आज ये 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते की कीमत 1717 रुपए कम हुई है। सोने की बात करें तो इस हफ्ते की कीमत में 233 रुपए की गिरावट आई है। वहीं 20 जून को सोना 51,064 रुपए था, जो अब 50,829 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस गिरावट के बाद सोना अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 5,371 रुपए नीचे आ गया है। आपको बता दें कि सोने ने अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक चला गया था। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 20,360 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सस्ता मिल रहा था। चांदी की अब तक का हाई बता दें 79,980 रुपए प्रति किलो है। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल मानसून बेहतर रहा तो सोने की खरीद आने वाले समय में और बढ़ेगी। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी सोने की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हो जाएगा। चांदी की इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले समय में इसकी कीमत में एक बार फिर इजाफा कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।